के खिलाफ जारी जंग में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह कहा है कि हमने इस पहल को पिछले साल शुरू किया था और अब इस पहल को फिर से 18 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जैसे ही आप रेड सिग्नल पर रुकते हैं अपने वाहन के इंजन को बंद कर दें, आप आज ही शुरू कर सकते हैं काम। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 18 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम, रेड लाइट होती है गाड़ी रोक लेते हैं लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उसे पेट्रोल चलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पर खड़े हो जाओ ना, इतना आँखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने, सब ने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम, गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपने स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं, एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि खूब पोल्यूशन भी कम होगा और खूब तेल भी बचेगा। तो दूसरी आज हमें अपनी आज कसम खानी है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार, ज़्यादा करें तो और अच्छा है, कम से कम एक बार अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या किसी के साथ कार पुलिंग करेंगे, गाड़ी शेयर करेंगे। हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए, हमारी टीम तुरंत पहुँच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज़ को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। 23,000 से ज़्यादा शिकायतें आई अभी तक, जिनको सबको निपटारा कर दिया गया है।